गाइस, कुकिंग विद भाभी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू की तहरी। तहरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चावल लेने हैं, जो सिर्फ तहरी वाले ही होंगे। आपको यहाँ पर बासमती चावल नहीं लेना है, आपको यहाँ पर लेना है खिचड़ी वाला चावल, और आपको चावल को धोकर रख लेना है। मैंने यहाँ पर एक बाउल में धुलकर कुछ आलू काटे हुए हैं। एक छोटे बाउल में मैंने यहाँ पर छिली हुई मटर ली है, और मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर और हरी मिर्च, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ऐड किए हैं, हल्दी, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब हम यहाँ पर लो फ्लेम पे कुकर चढ़ा लेते हैं। हमने यहाँ पर कुकर में ऑयल डाला है, उसमें तेज़पात डाला है। अब हम इसको अच्छे से भुनने देते हैं। हमारा तेज़पात भुन चुका है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम जो है लो ही रखनी है। प्याज भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए मसाले जो हमने काट के रखे हुए थे, हरी मिर्च, टमाटर, और इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, गरम मसाला और नमक जो हमने पहले से एक प्लेट में निकाले हुए थे, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको लो फ्लेम पर भूनने देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है भुनकर एकदम तैयार हो गया है। मसाला भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन जो हमने पहले से ही फ्राई की हुई थी, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, अगर आपको सोयाबीन इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मुझे अच्छी लगती है तो मैंने ऐड किया है। सोयाबीन डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू। आलू मुझे बहुत ही पसंद है, वो आपकी इच्छा है कि आपको आलू कितनी क्वांटिटी में रखने हैं। तो यस, मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। पूरा मसाला मिलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यस, ये ऑलमोस्ट एकदम पक चुका है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यस, अब हम इसमें कर देते हैं पानी ऐड। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर 1.5 गिलास चावल लिए थे। अगर आपके पास 1.5 गिलास चावल है तो उसमें आपको 3 गिलास पानी ऐड करना है। तो यस, मैंने यहाँ पर पानी मिला लिया है। पानी में उबाल आने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो यस, मैंने सारे चावल इसमें ऐड कर लिए हैं। मैं सारे चावल इसमें मिला लेती हूँ, और हाँ, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर चावल जो है धुलकर ही यूज़ करने हैं। चावल डालने के बाद आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको लो फ्लेम पर 2 सीटी के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर कुकर का ढक्कन इसमें बंद कर देती हूँ और हम इसमें 2 सीटी लाएंगे। तो गाइस, हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारी जो तहरी है बनकर हो गई है तैयार। तो होप गाइस आपको हमारी जो रेसिपी है अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सब भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, और अपने घर वालों को आलू वाली तहरी ज़रूर खिलाना। तो गाइस, चलती हूँ मैं अब। हो आप सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, और अब मैं जाती हूँ खाने। आप तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गाइज़।